अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली। ये आजकल डिज़ाइन जो है वो काफ़ी वायरल है, दामन डिज़ाइन। तो इसी को तैयार करते हैं। इसके लिए लंबाई जो है मैंने हार्ड वाले बुकरम की 13 इंच ली है। सबसे पहले जो है हम इसको खोल के तो हाफ इंच पे स्केल के साथ हमने निशान लगा लेना है। हाफ इंच पे निशान लगाने के बाद इसको हमने फोल्ड करना है और इसका दरमियान का जो है वो हमने उसको दबा के दरमियान पे हमारे जो है वो तय बन जाएगी। अब इसके ऊपर हम चाक जो है उसको फेर के इसको थोड़ा निशान को डार्क कर लेंगे ताकि निशान हमें जो है वो वाज़ह नज़र आए। अब ये मैंने स्केल लिया है, स्केल के ऊपर जो है वो 5.5 इंच पे निशान जो पेंसिल के साथ लगा लिया। अब इसी निशान को हमने ये दरमियान में रह के सीधा लाइन जो पहले ड्रा की है उसके ऊपर 5.5 पे हमने सीधी लाइन जो है उसको लगा लेना है, ठीक है। अब यहीं से स्केल को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता 5.5 पे रह के राउंड शेप में इसको स्केल को हमने घुमा देना है और थोड़े थोड़े फासले पे निशान जो है वो लगाते जाना है। एक साइड पे निशान लगाने के बाद हमने स्केल को दूसरी तरफ घुमा देना है और थोड़े थोड़े फासले पर उसी तरीके से हमने निशान जो है वो लगा लेने। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी और हमारा जो है हाफ सर्कल जो है वो बन के मुकम्मल हो जाएगा। जल्दी से इन लाइनों को मिलाते हैं। बहुत ज़्यादा वायरल है ये दामन डिज़ाइन और आसान तरीके के साथ आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोगों को पसंद आएगा। अब 2 इंच दरमियान में रखना है तो 1 इंच उस साइड पे दरमियान की लाइन के और 1 इंच उस साइड पे आगे 2-2 इंच के फासले पे रख के हमने निशान जो है उसी सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते जाना है। सारे के सारे निशान जो है वो हमने लगा लेने हैं, दूसरी तरफ भी निशान लगा लेने हैं। अब स्केल की मदद से इन निशानों को हमने नीचे जो है वो मिलाते जाना है तो ये डी की शक्ल जो है वो बन जाएगी। सारी की सारी लाइनें जो है वो इसी तरीके से ड्रा हमने कर लेनी है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इस दायरे से ऊपर 1/2 इंच जो है वो हमने और निशान लगाने हैं। 1/2 इंच पे रख के हम निशान जो है इंची टेप से छोटे छोटे फासले पे हमने निशान लगाते जाना है और दोनों साइडों पे निशान लगा के इन निशानों को हमने मिला लेना है। आप लोगों को वाज़ह जो है वो दिखाने के लिए इसको थोड़ा और ज़्यादा गहरा जो है वो इन निशानों को कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ह तौर पर नज़र आ जाए। ये निशान हमारे लगे। अब हमने ये दरमियान में जो लाइनें लगाई हैं इन लाइनों को हाफ पे रख के इस तरीके से हमने हाथ के साथ ही मिला लेना है। आप लोग यहाँ पे किसी गत्ते का पैटर्न जो है उसको भी कट करके रख के लगा सकते हैं या किसी का कैप ले लें और उसको भी रख के जो है वो यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो वो हाथ से बना रही हूँ तो जो ड्राइंग में इंटरेस्टेड है उनको तो ये मिलाना जो है वो और आसान हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अपने हाथों को भी जो है वो हम लोग जहमत दे दें। एक साइड पे हो गया, अब इसी तरीके से दूसरी साइड पे सारे के सारे जो है वो हमने ड्रा कर लेने। अब इनके ऊपर ही हाथों की मदद से हमने थोड़ा सा फासला छोड़ के, इतना ज़्यादा नहीं, हमने एक और जो है वो सर्कल हमने साथ साथ ड्रा कर लेना। अब इस तरीके से हमारा सर्कल जो है वो ड्रा हो गया। यहाँ से बुकरम जो है वो थोड़ा कम है तो ये ग्लू स्टिक लगा के नीचे जो है वो मैं रख के दोनों की चमक वाली साइड जो है वो एक तरफ हो तो यहाँ पे रख के लगा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास बुकरम कम है तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ के ऊपर जो है वो पेंसिल के साथ हमने इस दायरे को जो है वो ड्रा कर लेना है
और बाकी एक्स्ट्रा की हमने कटिंग कर देनी, यहाँ से भी कट कर देंगे जितना हमारा इस साइड को बढ़ रहा है। ये आप लोगों ने जहन में रखना है, आप लोगों ने नरम वाला बुकरम जो है वो नहीं लेना, आप लोगों ने हार्ड वाला बुकरम जो है इस डिज़ाइन के लिए लेना है, हार्ड वाले बुकरम का इस्तेमाल करना है। और पहले हमने इसकी कटिंग जो है वो बाहर वाली साइड से करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा फिसलन वाला जो है ये बुकरम होता है, तो हमारा सीज़र और हमारा हाथ जो है वो फिसलता है, क्योंकि इसकी एक साइड जो है बहुत ज़्यादा चमकदार होती है। तो इसको एहतियात के साथ हमने कट करना है, निशानों के ऊपर रख के हम इसको इसकी कटिंग कर लेंगे। सारी का सारा जो है वो कट हो गया है। अब हमने इसके दरमियान में से जो है उसको कट करना है, कट करके हमने निकाल देना है दरमियान वाला पार्ट। तो लाइनों के ऊपर ऊपर फिर इसकी कटिंग जो है वो करते जाएंगे। बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने इसकी कटिंग करनी है, ताकि ये हमारे जो हमने तैयार की है खाका वो हमारा ख़राब ना हो, आगे पीछे ना। जितनी सफाई से आप इसको ड्रा करेंगे और कट करेंगे, आप लोगों ने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, उतना ही आप लोगों का ये डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा बेहतर बनेगा और सफाई के साथ जो है वो बनेगा। दरमियान में से हमारा जो है वो कटिंग हो गया, दरमियान वाला हिस्सा हमने फेंकना नहीं है, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको हमने शर्ट के ऊपर जो है वो अटैच करना है। सबसे पहले जो है वो कागज़ मैंने ले लिया है जो नीचे हमने लगाना है, तो इसके ऊपर रख के दरमियान करके हमने दायरों के सामने जो है वो इस तरीके से लाइनें लगा लेनी है। अब वो शर्ट की पहले से जो है वो कटिंग की हुई है, इसका फिटिंग का निशान लगा के यहाँ पे हमारे चाक जो है उसको हम बंद करते हैं, वहाँ तक जो है वो हमने इसको थोड़ा सा बंद चाकों के नीचे जो है वो हमने इसको बनाना है। तो यहाँ से हम जितनी हमारी फोल्डिंग होगी साइड की, उतनी हमने फोल्डिंग का इस्त्री के साथ प्रेस करके निशान जो है वो लगा लेना है। अब ये निशान जो है इस निशान पे हमने कि यहाँ पे चाक बंद हो रहा है वहाँ से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि पहले हमने इसको लगाना है, तो फोल्डिंग से थोड़ा सा छोड़ के ऊपर जो है इसको आयरन के साथ हमने प्रेस कर लेना है। अब इसको इसके साथ मिला के हमने आयरन कर लेना है। इससे ये होगा, क्योंकि ये बारीकी में हमने कट किया है तो ये इक्वल साइज़ में जो है वो प्रेस नहीं होगा। जब हम इसका दरमियान वाला हिस्सा इस प्रेस करेंगे साथ में, तो ये बिल्कुल जो है वो परफेक्ट हमारा आयरन होगा और बहुत अच्छा जो है वो डिज़ाइन बनेगा। दरमियान वाले हिस्से को हमने अलग कर देना दरमियान में से, हल्का हाथ रख के कपड़े के ऊपर, ताकि दूसरा जो है हमारा हिस्सा वो ख़राब ना हो। अब दरमियान में से हमने इस कपड़े को जो है वो कटिंग करनी है, थोड़ा सा हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा रख के बाकी सारे की जो है वो कटिंग कर देनी है। आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये दामन का डिज़ाइन कैसा लगा और आप लोग जो है वो क्या सीखना चाहते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगी। ये ग्लू स्टिक है, तो ग्लू स्टिक के लगा के हमने जल्दी से इस कपड़े को इस बुकरम के ऊपर हमने चिपका लेना है और कट लाजमी लगाने हैं, क्योंकि कटिंग से फिनिशिंग जो है ये दायरों की जो है वो बहुत अच्छी आएगी। लगा के हमने इसको आयरन लाजमी करना है, साथ साथ आयरन जो है वो करते जाएंगे, तो इससे ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे सारे के सारे जो है वो सर्कल के ऊपर कपड़ा जो है वो बैठ जाएगा। जल्दी जल्दी इसको हम ख़त्म करते हैं। ये सारा जो है वो मुकम्मल हो गया है, कुछ इस तरीके से होगा। ये लार्ज साइज के लिए है, यानी कि अगर आप लोग लॉन्ग शर्ट जो है वो बना रहे हैं और आप लोगों के
दामन की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। अगर आप लोगों के दामन की चौड़ाई जो है वो कम है तो आपने साइज़ को छोटा कर लेना है। अब टिशू को हमेशा जो है वो डबल इस्तेमाल करें, इससे टिशू जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इस टिशू को डबल करके मैंने कागज़ के ऊपर जो है वो पहले सिलाई लगा लेनी है। इन दोनों सर्कल के लिए हाफ है जो है वो गाज़ मैंने टिशू लिया था, तो इसमें से जो है वो आसानी के साथ दोनों बन जाएंगे। एक्स्ट्रा की हमने कटिंग कर देनी है। इधर से कागज़ जो है उसको भी हमने कट करके अलग कर देना है। अब इसके नीचे लाइनें भी ये देखें वाजह तौर पर टिशू के नीचे जो है वो नज़र आ रही हैं कागज़ के ऊपर लगाई हुई, तो पिनों के साथ इसको पहले एडजस्ट कर लेंगे ताकि जब सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई जो है वो हिले नहीं, क्योंकि ये हम बिगनर्स के लिए जो है वो इसको बना रहे हैं तो तरीका भी हम उनको वही बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा आसान हो। तो ये डोरी है जो पाइपिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये हर कलर में जो है वो बाज़ार से मिल जाती है। इसको इस तरीके से हमने एक का साइज़ जो है वो कर लेना है कि कितनी डोरी जो है वो हमारी लगेगी, बाकी डोरियों को उसी साइज़ में कट कर लेना है। इनको काउंट कर लेना है कि कितने हमारे जो है ये इनकी पत्तियां बनी हैं, तो उतनी पत्तियां जो है वो हमने कट कर लेनी है उतने साइज़ में। तो इसमें से धागा जो है वो बहुत आसानी के साथ निकल जाता है, उस धागे को हमने निकाल देना है तो ये नरम जो है वो हमारी हो जाएगी और ऐसे ही लगेगी जैसे हमने बाज़ार से एम्ब्रॉयडरी कराई है। अब ये एंड वाले दो जो हैं इनकी लंबाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तो एंड वालों को माप के इनकी डोरी जो है वो अलग से हमने कट करनी है। इसमें से भी हमने धागे को निकाल देना है, क्योंकि जब इसके ऊपर सिलाई लगाई जाती है तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप लोगों की आसानी के लिए इसमें से मैंने थ्रेड को निकाल दिया है, सारे के सारे जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो अब इसको सिलाई के साथ जो है वो लगाते हैं। ये यहाँ से जब हमने लगाना है तो जो हमने छोड़ा कपड़ा है उसके ऊपर हमने सिलाई जो है वो नहीं लगानी, उसमें से छोड़ के लगानी है सिलाई। इसको थोड़ा खींच के सिलाई जो है हमारी बिल्कुल दरमियान में आए, स्लो स्लो हमने मशीन चलानी है ताकि सिलाई हमारी, क्योंकि यह बारीक है तो सिलाई हमारी जो है वो इसके ऊपर से उतरे नहीं। यहाँ तक लाएंगे और अब हमने बिल्कुल उसके किनारे पे रख के ताकि हमारा कपड़ा जो है वो भी डोरी के नीचे आ जाए, उसके ऊपर हमने सिलाई जो है उसको चला लेना है। वापस लेके आएंगे नीचे सिलाई चलाते हुए। धागा कट कर देंगे। अब ये देखिए ये नीचे चला जाएगा, इसलिए हमने इस कपड़े के ऊपर जो है वो सिलाई नहीं चलानी। थोड़ा सा पीछे हटा देंगे उसको ताकि सिलाई उसके ऊपर ना जाए। अब इसको डबल करते हुए अगले का जो है वो हमने लगानी। यानी कि इनको डबल करते जाना है ताकि ये बिल्कुल जो है वो हमारी कढ़ाई जैसी ही महसूस हो। अब एंड वाले जो है वो हमने छोड़ दिए थे, अब यहाँ से हमने शुरू करनी है लगानी। इसको भी उसी तरीके के साथ 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 हमने सिलाई को चलाते जाना है। अब यहाँ से हमने ये साइड चाक पे जो कपड़ा छोड़ा है उस कपड़े के ऊपर हमने इसको रख के लगाना है और पिन निकाल देंगे। या यहाँ से जितनी भी हैं डोरी हो हमने इसके नीचे करके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई चलाते हुए इसे मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये बाहर वाले जो है वो हमारे दोनों सिंगल सिंगल हमने डोरी चलाई थी, इसलिए इनकी जो है वो डोरी हम अलग से चलाएंगे। यहाँ से इसको साथ मिला के इसको भी हमने डबल कर लेना है। यहाँ से इसको कट कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको नीचे हमने करके इसके ऊपर जो है वो
सिलाई कर लेनी है। तो ये जब दो तीन दफ़ा सिलाई इसके ऊपर चलेगी तो ये बिल्कुल साथ बैठ जाएगा। अब हमने चाहे तो आप सेम कलर का थ्रेड ले लें। इसकी मज़ीद पुख्तगी के लिए हमने इसको सिलाई को साथ साथ सिंगल सिलाई जो है इसी के साथ चलानी है। ये मल्टी कलर का जो है वो रेशमी थ्रेड है जो मैं चला रही हूँ, तो आप लोग जो है यहाँ पे सेम शर्ट का जो है वो धागा उसको भी चला सकते हैं। इससे ये होगा कि बाय चांस अगर आप लोगों की डोरी कहीं से भी जो है वो नीचे खिसक जाती है तो आप लोगों की शर्ट से जो है ये अलग नहीं होगा, ये सिलाई जो है वो उसकी और मज़बूत हो जाएगी। नंबर दो, इस पे मैंने जो है वो सितारे वो नहीं लगाने, क्योंकि अगर सुई के साथ सितारे लगाएंगे तो ये टिश्यू के साथ मजबूती के साथ चिपक जाएगा। अब यहाँ से इसको कट करेंगे और ऊपर वाला धागा जो है वो हमने नीचे खींच लेना है। खींच के इन दोनों धागों को अच्छे तरीके से हमने घेरा लगा देनी है। घेरा लगा के इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब नीचे से कागज़ को उतार देना और एक्स्ट्रा टिश्यू जो है उसका हमने कट कर देना है। और बाकी जो है साइडों से भी हम इसको कट कर लेंगे और नीचे से हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। ये हमारा जो है वो चाक डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड पे हमने नीचे दामन पे बनाना है, तो नीचे दामन पे जितना हमने उसको फोल्ड करना है फोल्डिंग का रख के हम इसको इस तरीके साथ जो है वो लगा लेंगे और उसी तरीके से के साथ तैयार करेंगे। ये जो है ये मेरे पास छोटे छोटे से नग हैं जो कि आयरन के साथ लगाए जाते हैं, उसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इसको साथ साथ रख के पहले एक मरतबा जो है वो साथ साथ रख के इनको लगा लूँगी, फिर उसके बाद आयरन को गर्म करके तेज़ गर्म करके ध्यान से लगाना है कि इतना भी तेज़ ना हो कि हमारा टिश्यू जो है वो जल जाए। इसी के साथ मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मेरा चैनल नूर क्रिएशंस, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये इसकी मुकम्मल फ़ाइनल लुक।